साथियों नमस्कार, ये कानपुर का हैलट अस्पताल है और आप देख रहे हैं जंजवार का लाइव पेज। हालात देखिए कि एक एक बेड में दो दो मरीज लेटे हुए हैं। ऐसे में कोविड का क्या हाल होगा? ये आप कौन हैं? मम्मी हमारी सर। अच्छा, तो क्या किस तरीके से इलाज चल रहा है? कुछ नहीं, इलाज चल रहा है। कभी कह देते हो ऑक्सीजन खत्म हो गई है, ऑक्सीजन नहीं है, अपना इंतजाम करो, ऑक्सीजन लाओ, कहीं से भी लाओ, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है? नहीं, अभी आरटीपीसी रिपोर्ट भी नहीं करी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बोल रहे हैं कि पूरे प्रदेश में सब कुछ है, दवाइयां हैं, ऑक्सीजन है। सर वो बस बोलने के हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे सर, बोल रहे हैं बस। सारे मरीज परेशान है, एक एक बेड पे दो दो मरीज हैं, एक ऑक्सीजन में दो दो मरीज लगे हुए हैं सर। ऑक्सीजन की बहुत भारी किल्लत है, बहुत ज़्यादा। सर से मेरा निवेदन है ऑक्सीजन कैसे किल्लत पूरी करे सर, मर जाएंगे सारे यहाँ, कोई नहीं बचेगा। बहुत बुरा हाल है, मेरी मम्मी को बिल्कुल भी कुछ भी आराम नहीं है, कई दिन हो गए सर। ये एक माँ है जिसके आंसू सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अगर पहुँचे तो जरूर जो है ध्यान दें इनको। भैया कैसे, क्या जो है चल रहा इलाज? चल रहा इलाज टाइम से? सर कोई नहीं, कल से हम लोग पड़े, कोई इलाज नहीं है, कोई देखभाल बुलाने जाओ तो भी नहीं आते सर। कि क्या हुए, कोई जांच नहीं है, सिर्फ एक कोरोना की टेस्ट हुआ, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ सर। हम लोग ना दवा का, हमने जब शाम को बोला कि आप कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकले हैं तो आप दवा लिख दीजिए, तो अपने पास से हम मंगा लेंगे, तो हमने तब इन्होंने दवा लिखी, तब हमने अपने पास से मंगाई है। सारी दवाइयाँ हम लोग अपने पास से लगा रहे हैं, उसके बावजूद कोई भी व्यवस्था नहीं है। कह रहे हैं कि आप मरीज अब कहीं पे ले जाइए, हम लोग ऑक्सीजन नहीं है, कुछ मेन किल्लत ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ बाहर से लेके आ रहे हैं, फिर भी हम कह रहे हैं चलो कुछ नहीं है। मेरी भी मम्मी के लिए ऑक्सीजन नहीं है, एक एक में दो दो लगाए हुए हैं, ऑक्सीजन सही से मिल नहीं पा रही है। कहाँ से आए आप लोग? बीगापुर अन्नाव। नाव से आए हैं? यस सर। रेफर किए गए थे क्या? ये कानपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल हैलट, हालात आप खुद देख रहे हैं। लोग उन्नाव से और कितनी दूर से यहाँ पर आए हुए हैं, अपने अपनों का इलाज कराने, अपनों को लेकर आए हैं। कंडीशन आप सिर्फ देखिए, हालात देखिए सर। हम लोग सेवन हॉस्पिटल से रिफर करे गए, उसके बावजूद नहीं ले रहे हैं कहीं हमारे पर। जी ये देखिए रिपोर्ट सर। क्या कह रहे हो सर? आइसोलेशन वार्ड में आपका लिंक होगा तो आपको बेड प्रोवाइड हो जाएंगे। मैं कल रात से खड़ा और एक महानुभाव सर थे, उन्होंने हमारे जो एक बेड खाली मिला तो उन्होंने हमें अप्रूव भी कर दिया था, तो शिफ्ट चेंज होने की वजह से पेशेंट नहीं हो पा रहा था। और मुझे एक लेटर लेने के लिए कम से कम 1.5 घंटे वो बात करते रहे, फाइल बन जाने के बाद भी। फिर मैं लेटर में पता नहीं था, ढूंढ के आया तो कम से कम मेरा 1.5 से 2 घंटा सर बर्बाद हो गया है, और मेरे पेशेंट की हालत वैसे ही खराब होती आ रही है। आपका लिंक होगा तो बात करा दो, तुरंत आधार कार्ड ले लिया, तुरंत उनका लिखा पढ़ी हो रही। यहाँ जो है धक्के खाओ और सारे प्रोसेस अपना, उसके बाद जो है लेटर मिला तब वो हो पाया। फाइल अगर ना बनवा के वो गए होते सर तो हमें शिफ्ट चेंज होने के बाद जो स्टाफ था वो हमारा पेशेंट लेता भी, बेड भी ना देता। क्योंकि सर ये मेरा भाई है, क्योंकि अब मैं रात में लौट आई हूँ वहाँ से, कल रात से सर कंट्रोल रूम से लौट कर आई हूँ, उन्होंने कहा आप उस जिसमें हैं उसी में रखिए। तब हम रात में भी हमने 2 घंटे वहाँ इंतजार किया, वो ऑफिस से निकले नहीं बाहर। अभी ये भाई गया, उसके बाद भी 3-4 घंटे इन्होंने बर्बाद करे हम लोग के। ये हालत है लोगों की। फाइल बन जाने के बाद 3-4 घंटे अब यहाँ पे हमको वो नहीं मिला है स्ट्रेचर। ये दो 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 इंजेक्शन ऑक्सीजन लगा है दोनों का, एक एक मर्ज है। अब ये एक इंडिया लगा है, एक वो लगा है, देख लीजिए। अब ये लगा कि हाँ ये डबल डबल लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन चला रहे हैं। ये पाउच में ऑक्सीजन आने लगी है अब, ये नया नया जो है आविष्कार किया गया है उत्तर प्रदेश में, जो पाउच में ऑक्सीजन आ रहा है। ये देखिए पाउच, ऑक्सीजन का पाउच देखिए ये। तब उसमें जाएंगे, तब उसमें वाकई में इंसान और यहाँ पर जो है कीड़े मकोड़ों के जो है मानिंद इंसान हो गया, जो सरकार के लिए सिर्फ महज आंकड़े हैं, इसके अलावा कुछ नहीं।
इंसानी जिंदगी की हालत देखें। डॉक्टर सर हम दोस्त सर से बात कर लेंगे, एक एक करके बोलिए। ऑक्सीजन आने पे 3-4 लोग खत्म होगा अभी, मेरे इंजेक्शन खाने पड़े हैं आज की सुबह, नाइट में 3-4 खत्म हो गए, 3-4 जा चुके हैं सुबह की बात है, नाइट में ऑक्सीजन भी जरा मिल रही है। हाँ जी, अच्छा डॉक्टर साहब आते ही नहीं, आते नहीं है, पहली बात यहाँ डॉक्टर आते नहीं, ऑक्सीजन और डॉक्टर की देखभाल के ना कारण, क्योंकि वो लोग आते ही नहीं, बुलाने जाइए, मेरे पास बहुत मरीज हैं, आप लोग और अपनी व्यवस्था कहीं कर लीजिए, ये इनके शब्द रहते हैं। दो दिन से पड़ेंगे ठीक, हम लोग सब पड़े हैं कल से, कोई सुनवाई नहीं है सर बिल्कुल भी, कि कहीं भी कोई सुनवाई हो। हम कह रहे हैं डॉक्टर सुबह से हम लोग गए, कोई डॉक्टर नहीं आया अभी तक देखने के लिए, और इंजेक्शन लगवाने के लिए 1.5-2 घंटे से घूम रहा हूँ, तब जाके इंजेक्शन लगा है, अब जाके मेरे मजीद को इंजेक्शन लगा है, और कोई डॉक्टर अभी तक नहीं आया देखने, किसके अंडर में ये भी मुझे नहीं मालूम, किसके अंडर में मेरा मरीज है ये भी नहीं मुझे मालूम, बस ये कह रहे हैं ऑक्सीजन या तो अपना लाइए, हम जो दे रहे हैं बस इसी में आप लगा देंगे। तो आप देख रहे हैं इंसान की हालत ये है, और जो सत्ता में बैठे हैं वो सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम की घुट्टी, धर्म की घुट्टी पिलाकर, अफीम चटाकर आपको जो है सिर्फ इसमें उलझाए रखना चाहते हैं, और ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमसे कोई व्यक्ति सवाल करे, अस्पताल का, शिक्षा का, रोजगार का, कोई सवाल ये नहीं जो है ना ही जवाब देना चाहते हैं, और ना ही चाहते हैं कि ये लोग कोई सवाल करें। ये आपने बाहर से मंगवाया, कितने रुपए का मिला है? 600 रुपए का मिला, 600 रुपए का मिला है। गैस सिलेंडर अभी दूसरे से लिया, सिलेंडर कितने का लिया है? सिलेंडर दूसरे से मांगा, जिनके पास था मांगा है, और 600 रुपए की इसमें रिफिल किया गया है। सुबह से चार बार जा चुके ना देखा ना आ रहे हैं, और ना कोई को कुछ परेशानी है, वो परेशानी हम फरकाबाद से, हाँ वहाँ से रेफर किए गए होंगे, हाँ जिला कन्नौज, तो वहाँ से आए ना, इधर सुबह से परे हैं ना देखन जाए, चार बार जा चुके, डॉक्टर कोई देखने ही नहीं आ रहे, करे शाम को। क्या नाम है सर? आलम है। आलम कहाँ से आए? फरकाबाद से। फरकाबाद से आए हैं, यहाँ पे रिफर करके, रिफर किया है जिला अस्पताल से, बोला इधर हॉस्पिटल में जाओ, लेकिन यहाँ आए कल से आए हैं, लेकिन यहाँ कोई इलाज नहीं हो रहा है, अभी इंजेक्शन भी नहीं लगा है। ये बोल रहे हैं गैस का बाटला मंगाओ, इधर गैस नहीं है तो लगाएंगे, मत नहीं। सुबह से देखो इतनी परेशानी है, देखने एक बार नहीं है, वो एक इधर पड़ी हुई थी, वो दोबारा इस पे लेट डाल गए, ऐसी पड़ी थी खाट ऐसी, वो उस पे आके दोबारा के इस पे लेट। आपने ये बताइए, आपने ये नहीं कहा कि जो है, मैंने कहा वो कान लगा नीचे लेट डाल दूंगा, डॉक्टर बोला एक बेड में जो है दो लोग लेटे हुए, हाँ डॉक्टर बोला कि कोरोना सोशल डिस्टेंस क्या, सावधानी क्या रहेगी, आपने सवाल नहीं किया। अरे डॉक्टर बोला कि मैं नीचे लेट डाल दूंगा, तो मैंने मजबूरी में तो नीचे डाला। ये बोले ये सरपाई दे, अगर नहीं सरपाई इस पे नहीं लेट रही हो तो नीचे डाल दी, नीचे डाल दी, इस पे कोई दूसरा तो हाँ तो मजबूरी में इस पे लिटा रहा, तो क्या करना है, एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना, इधर कल से है, कल से है, हाँ इन्हें कोरोना निकला, इनको ले नहीं आ रहा, यहाँ कोई नहीं ले रहा, कह रहे वहाँ भरा इनको नहीं लेंगे, इनको ले कहाँ जाए, बड़े हाँ, और ना इनकी दवा है ना कुछ खाना पीना, कोई ऐसी पड़ेगी, ये हालात हैं, देखिए आप किस तरीके से लोग बड़े जो है तड़प रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ है, ऑक्सीजन भी है, दवा भी है, सारी व्यवस्थाएं हैं, कुछ नहीं यहाँ मिल रहा है, नहीं तो ऐसे में क्या पब्लिक झूठ बोल रही है क्या? पब्लिक क्या अगर है तो डॉक्टर जी, सरकार झूठ बोल रही है, सरकार झूठी है, और क्या सरकार दावा करती है, हमने सब कुछ जनता के लिए, जनता के लिए क्या है, हकीकत ये देखिए आप, हकीकत ये है, सरकार झूठ बोलती है। तो ये माता जी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ के सभी दावों की ये हकीकत है, कि माता जी कह रही हैं कि एक बार आप फिर से सुनिए। जी सर ये तो सरासर झूठी है, योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हमने सब कुछ प्रोवाइड किया, पर यहाँ कुछ भी नहीं है किसी के पास, सारी पब्लिक परेशान है, अपनी अपनी व्यवस्था करिए, वरना अपना मरीज लेके जाइए घर, वो तो कल से ऐसे ही देखने पर।
ये माता जी एक लेटी हैं, बताई जा रही है कल से जो है इसी तरीके से तड़प रही हैं, आहें भर रही हैं। यहाँ पर देखने तक नहीं आया कि पल्स कितना है और कोई भी डॉक्टर इनको अभी तक ना पल्स नापने आया है ना ये देखने आया इनकी कंडीशन तक क्या है। जी तीन आदमी मर चुके हैं, तीन लोग मर चुके हैं कल से भैया। हाँ ऑक्सीजन की वजह से, बस ऑक्सीजन मिल नहीं रही है कहीं, नहीं मिल रहा तो फिर इंसान तो जा ही रहा। तीन लोग जा चुके सुबह से इधर से, एक उधर से गया मॉल लेके आ, वो मॉल इधर मिल नहीं रहा, बाहर से हम लोग आए रहे तो इधर से कहाँ से लेके आए। आप स्ट्रेचर के अपने आप से लेके जा रहे हैं? सर लेके आए हैं, बड़ा ढूंढ के लाए हैं, स्ट्रेचर भी नहीं मिल रहा है और वो कह रहे हैं लोड करो हम उसको लगवा रहे हैं। दीदी आप कहाँ से आए हैं? आप हम सीटीआई के पास से आए हैं। सीटीआई के पास से? जी। प्राइवेट अस्पताल गए थे क्या आप लोग? प्राइवेट में कोई नहीं लिया किसी ने, यहाँ जांच हुई तो कोरोना निकल आया, तो जब भी कोई इलाज नहीं हो रहा, एक में दो कनेक्शन करके सांसें दी जा रही है उसमें भी नहीं चल पा रही है, समझ लीजिए भैया हम लोग इतना परेशान, कोई दवा इलाज नहीं, कोई इंजेक्शन तो लग नहीं लगा है, दो दिन हो गया यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि ये बताया जा रहा है क्या सीएमओ से लेटर लिखाने के बाद यहाँ अस्पताल में लिया जा रहा है, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे पूछना ऐसा कुछ नहीं। तो ये हालात है यहाँ के, अपने लिए खुद हर व्यक्ति ऑक्सीजन खरीद कर ला रहा है। और डॉक्टर साहब हैं आप? हाँ डॉक्टर साहब। सर ये तमाम दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन अपने आप से लेके आ रहे हैं, ऑक्सीजन जो पोर्ट लाइन पे चल रही है। ये देखिए कि दो मरीज एक साथ ये लेटे हुए हैं, एक साथ लेटे हुए हैं महामारी के बीच, ऐसे में सर क्या? देखिए बेड की जितने भी हमारे पास है हम सभी मरीजों को भर्ती कर रहे हैं जितना भी हमसे पॉसिबिलिटी है। आप हैलट के डॉक्टर साहब हैं सर, क्या नाम क्या आपका? डॉक्टर आशीष। डॉक्टर आशीष हैं आप हमारे साथ? हाँ जी बताइए सर। नहीं जितना भी हम लोग से कोशिश हो रही है हम पूरा सब मदद कर रहे हैं। अच्छा, सभी का ठीक है ना? थोड़ा सा बिल्कुल लगे हुए हैं ठीक है ना? पीआरओ देखिए क्या दिक्कत हो रही है, पीआरओ बताइए। बिल्कुल ये तमाम दिक्कतें हैं लोगों का, ये कहना मैं इसीलिए आ रहा हूँ, मैं इसीलिए हमारे पास ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन पोर्ट पे चल रही है अभी तक, जितने भी ऑक्सीजन पोर्ट पे चल रही है उसी पे चल रही है ठीक है ना? सब पोर्ट पे चल रहे हैं ऑक्सीजन ठीक है ना? नहीं नहीं आप लोग बताइए अपनी अपनी बात, ऑक्सीजन चल रही है। सुबह से नहीं कोई ले जा पा रहा है, 10 नंबर वार्ड में ट्रांसफर हो गया, कोई नहीं ले जा पा रहा है और कह रहे वहाँ ऑक्सीजन है नहीं, हम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। नहीं तो दो लोग देखे, दो लोग बेटा हमारे पास जितने हम उतने ही तो रख पाएंगे ना बेटा। नहीं ट्रांसफर हो चुका है भाई का, अभी कर रहे हैं उधर, सब अरेंज कर रहे हैं, सब अरेंज कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर आशीष थे, डॉक्टर आशीष यहाँ से जा चुके हैं और कुल मिलाकर कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। ये अस्पताल कानपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल हैलट का सीन है पूरा, ये खुद से लोग ऑक्सीजन खरीद कर ला रहे हैं यहाँ और स्ट्रेचर भी खुद लेकर आ रहे हैं। कम से कम इतनी कर दें, कम से कम मरीजों को परमानेंट ऑक्सीजन तो मिलती रहे, ज्यादा ना करें, कम से कम ऑक्सीजन मिलती रहे, इंसान जीता तो रहे, कम से कम आंखों के सामने मर रहा है इंसान अपना, तड़प तड़प के वो भी ऑक्सीजन के लिए, कम से कम दवाई कर तो ऑक्सीजन तो कर दे कम से कम। ये जो मुख्यमंत्री से आप लोग अपील कीजिए, मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं बोल रहे, सब बातें हैं बोलने की, जिन पे बीत रहा है बस उसे ही पता है। सही बात है। अभी करवा
एक काम को एक लेटर आया है ये कौन सा वार्ड है भैया ये कौन सा वार्ड है